हेलो फ्रेंड, ये देख पा रहे फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। देख पा रहे ये बजाज पल्सर 125 बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाला वेरिएंट है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड, ये जो स्पीड मीटर केबल है ना नहीं चल रहा है। जो इसका डिजिटल स्पीड मीटर केबल है ना वो नहीं चल रहा। चलो फ्रेंड आपको प्रूफ देखा था। अगर बाय द बाय आपको भी आपके पास भी कभी भी आए ना, आप किस तरीके से चेकआउट कर सकता है। चलो फ्रेंड इस वीडियो अगर लास्ट तक देखा तो आप 100% इस वीडियो देख के आपको फाइनल पता चलेगा जो ये जो प्रॉब्लम है ना किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलो फ्रेंड आपको प्रूफ देखा था, देख सकता है फ्रेंड। मैं अभी इंस्ट्रक्शन स्विच ऑन करने का बात ही मैं स्टार्ट करके देखा था। देख पा रहे फ्रेंड अभी मैं स्टार्ट कर चुका। उसके बाद ही देख सकते हैं फ्रंट साइड में जब भी मैं व्हील को रोटेट करेगा ना उस टाइम पर को आपको ये जो स्पीड मीटर जीरो देख पा रहे हैं इसके बगल में 1 2 3 4 इस तरीके से आना चाहिए। चल फ्रेंड आपको देखा था। अभी लो व्हील के अभी रोटेट करो। देख पा रहे ये भी रोटेट हो रहा है। यहाँ पे देख पा रहे फ्रेंड कुछ भी शो नहीं कर रहा है। देख सकता फ्रेंड अभी यहाँ तो 1 2 3 4 आना मांगता नहीं आ रहा है। तो फिर से आपको देखने की कोशिश कर रहा है। जोर से घुमाओ, जोर से। देख सकता फ्रेंड फिर से रोटेट किया फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो आपका माइंड में क्या लग सकता है इसके अंदर क्या फॉल्ट है फ्रेंड। चलो फ्रेंड बाय द वे आपका पास भी कोई भी आ सकता है इस वीडियो अगर एंड तक देखा तो। चलो फ्रेंड फाइनल आपको देखा था मैं अभी कैसे चेकआउट करना सकता। देख पा फ्रेंड इसको इस जगह पे लॉक। देख पा फ्रेंड इसको आसान तरीके सबसे पहले निकालने का इस जगह पर। इस वाला कपलर में अभी ओपन कर चुका। उसके बाद ही अभी ये देख पा फ्रेंड लेफ्ट साइड में था, यहाँ लेफ्ट साइड में था, यहाँ पे घूम के अभी यहाँ पे ले लिया क्योंकि आसान तरीके से चेकआउट कर सकता है। इसलिए आप लोग को अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा है मैं। और मैं फर्स्ट में आपको बता रहा है मेरा लैंग्वेज है ना आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा प्रॉपर लैंग्वेज मेरा बंगाली, ठीक है। चलिए फिर आपको डिटेल का समय दिखा दे रहा है। अगर स्पीड मीटर अगर बाय द वे काम नहीं कर रहा तो आपको कैसा चेकिंग कर सकता। सबसे पहले देख पा रहे हैं इसका वायरिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने वाला। वायरिंग का मतलब देख पा रहे हैं इस जगह पे आपको 3 वायर देखने के लिए मिल रहा है। अगर स्पीड मीटर सेंसर है ना वो काम करता सिर्फ 3 वायर की वजह से। अगर बाय द वे 3 से अंदर एक भी वायर अगर काट हो गया ना तो आपका स्पीड मीटर केवल चलने वाला नहीं, मतलब स्पीड मीटर वो मीटर में है ना स्पीड मीटर का 1 2 3 4 इस तरीके से काम करता वो देखने के आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे क्या करने का देख पा फ्रेंड आपको फास्ट में बता रहा है। येलो प्लस देख पा फ्रेंड येलो प्लस जो ब्लैक लाइट वायर है ना फ्रेंड ये हो गया आपका बॉडी अर्थ, ठीक है। ये वायर अगर काट गया तो आपका फिर भी ये स्पीड मीटर केवल चलने वाला नहीं। और देख पा फ्रेंड इसके अंदर अभी देख पा रेड प्लस व्हाइट लाइन ये जो वायर फ्रेंड ये किसका होगा, ये जो फ्रेंड होगा आपका इंजन लॉक ऑन करने का बाद इसके अंदर 12 वोल्ट का सप्लाई देखने को मिलता। और ये जो फ्रेंड देख पा रहे ब्लू प्लस व्हाइट लाइन को वायर एक ये वाला का किसका है, मतलब फ्रेंड ये जो वायर है ना फ्रेंड एक जो व्हाइट प्लस रेड लाइन को वायर फ्रेंड मतलब इंजन लॉक ऑन करने का बात ही इसके अंदर 12 वोल्ट का सप्लाई आता है। किस जगह पे आता है, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से अंदर एक सेंसर यूनिट है वहाँ से घूमते घूमते मतलब ये जब भी रोटेशन होता ना इस तरीके से जब रोटेशन होता उसी टाइम पर उसका मीटर आउटपुट है ना सप्लाई डायरेक्ट इससे कन्वर्ट होकर डायरेक्ट आता है इस वाला वायर से। किस वाला से, इस वाला से। देख पा रहे फ्रेंड इस जगह पे जो व्हाइट प्लस ब्लू लाइन पे आता है, ठीक है, मतलब इसका वोल्टेज आता है मतलब वहाँ पे जितना उसका रोटेशन होता ना उसी हिसाब से उसका वोल्टेज का कन्वर्ट होकर वो डायरेक्ट मीटर में शो करता। चलो फिर फाइनली आपको मीटर से मैं आपको चेकआउट करके डिटेल का साथ में देखा था इसके अंदर कितना वोल्ट का करंट आना चाहिए। अगर बाय द बाय इसके अंदर से ये भी वायर कितना कितना वोल्ट आना चाहिए, इसमें भी कितना वोल्ट आना चाहिए क्योंकि ये देख पा रहे इसके अंदर है ना व्हाइट प्लस ब्लैक व्हाइट प्लस रेड लाइन का जो वायर फ्रेंड है ना इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलता मतलब 10 वोल्ट का प्लस होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और ये जो देख पा फ्रेंड व्हाइट प्लस ब्लू लाइन वायर फ्रेंड है ना वो वहाँ से मतलब प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे 10 वोल्ट कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब जब भी व्हील जब रोटेशन होएगा ना उसी टाइम से आपको कम से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा मतलब 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको उसका वोल्टेज शो करेगा। तो मतलब फ्रेंड चलिए फ्रेंड अब आपको मीटर के साथ में देखा था, अभी मीटर में आपको देखा था डायरेक्ट में डायरेक्ट मीटर चालू करने के बाद मीटर लो। देख पा फ्रेंड मीटर भी अभी ऑन करके लिया। देख पा फ्रेंड इस जगह पर अभी 20 वोल्ट पर सेट करके लिया। उसके बाद ही आपको डिटेल का साथ में देखा दे रहा है। देख पा फ्रेंड अभी मैं 20 वोल्ट पर अभी सेट करके लिया, ठीक है, क्योंकि इंजन लॉक ऑन करने के बाद इसके अंदर फ्रेंड है ना 12 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। कौन सा वायर में देखने के लिए मिलेगा, इस वाला वायर में रेड प्लस व्हाइट वाला वायर में। चलो फिर फाइनल आपको चेकआउट करके डिटेल का साथ में दिखा देता। देख पा फ्रेंड इस जगह पे देख सकते फ्रेंड ये जो व्हाइट प्लस रेड लाइन का वायर है ना फ्रेंड इसके अंदर पिन के अंदर घुसाना पड़ेगा। जैसे कि आपको अभी मैं फुल डिटेल का साथ में चेकिंग करके देखा देता वीडियो एंड तक बने रहे। एक वायर में वहाँ पर लगाया और दूसरा वाला फ्रेंड है ना मैं ये जो हाइड्रोलिक का शॉकर है ना इसके अभी कनेक्ट करेगा। देख सकते फ्रेंड
अभी अच्छा से देखने की कोशिश कर, क्योंकि एक बात याद रखने का, ये जब भी इसको चेक करने का ना, उसके बाद आपको इंजन लॉक ऑन होना मांगता। जैसे कि मैं अभी ऑन कर रहा है, देख पा रहे हैं, अभी ऑन भी करके लिया, उसके बाद मैं टच करके दिखा रहा है आपको। देख पा रहे हैं अभी 11+26 दिखा रहा है, मतलब 10 वोल्ट का प्लस है। इसका 9 वोल्ट 10 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट का प्रॉपर है। तो आप समझ में आ चुका फ्रेंड, मतलब इंजन लॉक ऑन करने के बाद ही रेड प्लस व्हाइट लाइन पे एक मतलब 12 वोल्ट का सप्लाई प्लस होना मांगता, 12 वोल्ट का होना मांगता, ठीक है। और इसके अंदर फ्रेंड देख पा रहे हैं व्हाइट वाला, ये व्हाइट प्लस रेड लाइन के बारे में फुल बताया। अभी देख पा रहे फ्रेंड इसके अंदर जो ब्लैक प्लस येलो लाइन फ्रेंड है ना, ये वाला अर्थिंग का था, और दूसरा वाला फ्रेंड इससे ऊपर फ्रेंड इस जगह पे व्हाइट प्लस ब्लू लाइन का वायर है ना फ्रेंड, ये जो कहाँ पे जाता डायरेक्ट स्पिन मीटर कम डायरेक्ट ऊपर में जाता, तो यहाँ से मतलब नीचे से है ना कन्वर्ट होकर आता। आपको अगर डायरेक्ट वोल्टेज इस तरीके से चेकिंग करने जाएगा ना, देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर कभी भी अगर आपको मीटर नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट नीचे से आपको एक एक चेक कर सकता, लेकिन अभी फ्रेंड अभी मेरा पास तो अभी आपको इधर देखा दिया। चलो फ्रेंड फाइनल अभी यहाँ पे देखते हैं इस वाला वायर काट भी होगा क्या नहीं हुआ। देख पा रहे फ्रेंड इस जगह व्हाइट येलो प्लस ब्लैक लाइन, ये वायर भी काट होने से भी आपका मीटर चलने वाला नहीं। चलो फ्रेंड अभी फाइनली मैं इसको कॉन्टिन्यू मीटर सेट करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी देख पा रहे फ्रेंड कॉन्टिन्यू सेट किया, कॉन्टिन्यू सेट किया। उसके बाद क्या करने का फ्रेंड, जो ब्लैक कलर का वायर है ना फ्रेंड, एक वायर ब्लैक में टच करने का, एक वायर ब्लैक में टच करने का, और दूसरा वाला फैन बॉडी के साथ एयर चेस्ट के साथ कनेक्ट करना। देख सकते फैन अभी बीप का साउंड आपको सुना दे रहा होगा, तो आपको समझ में आ चुका इसका अर्थ का वायर भी प्रॉपर है, इसका 12 वोल्ट का सप्लाई वो भी आ रहा है प्रॉपर है, सिर्फ इसका देख पा रहे फैन वो व्हाइट प्लस जो ब्लू लाइट का वायर है ना फैन, इसमें से आपका जो मीटर में इसका वोल्टेज मतलब जितना चाहिए वो लेता, मतलब स्पीड जब रोटेट करता मतलब उसका व्हील जब रोटेशन होता ना उसी टाइम पे इसका 6 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरीके से आउटपुट भेज दे। तो फ्रेंड आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब, ये जो फ्रेंड अभी काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जो स्पीड मीटर केबल है ना वो ख़राब हो चुका। चल फ्रेंड अभी मेरा पास तो अवेलेबल नहीं है, इसको लगाना मांगता लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। चल फ्रेंड मेरा वीडियो देख के अगर आपको लगता थोड़ा सा भी अगर जानकारी मिला ना यार, एक लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।